हेलो दोस्तों, हिंदी सिनेमा में न जाने कितनी ऐसी अभिनेत्रियां आईं और गईं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर माँ का किरदार निभाया है, लेकिन निरुपा राय जैसी एक्टिंग कोई ना कर सका। अपनी उम्र से बड़े कलाकारों की माँ का किरदार निभाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके जैसे माँ का रोल कोई भी नहीं कर सकता। निरुपा राय ने जिस तरह से एक गरीब और मजदूर माँ का किरदार निभाया है, आज तक ऐसा किरदार कोई भी नहीं निभा सका। वो हिंदी सिनेमा में माँ का प्रतीक बन चुकी थी। आलम ये था कि जब भी हिंदी सिनेमा में माँ का जिक्र होता था तो निरुपा राय जी का नाम सबसे पहले लिया जाता, जिसके चलते उन्होंने करोड़ों दिलों में तो राज किया ही, साथ में उन्होंने अपने लिए जो सम्मान और इज्जत लोगों के दिलों में बनाई, ऐसी इज्जत शायद किसी अदाकारा ने बनाई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं के बेटे और बहू ने इनका जीना हराम कर दिया, यहाँ तक के इनको जेल भी करा दी थी। तो चलिए जानते हैं निरुपा राय के बच्चों और बहुओं का काला सच। दरअसल निरुपा राय का जन्म 4 जनवरी 1931 को बलसाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम था कोकिला किशोर चंद्र। महज 15 साल की आयु में इनकी शादी कमल राय से हो चुकी थी और शादी के ही कुछ सालों बाद ये अपने पति के साथ फिल्मों में कैरियर बनाने मुंबई आ गई थी, जिसके बाद इनके पति ने एक बार एक अखबार में देखा कि गुजराती नाटक के लिए कुछ गुजराती कलाकारों की आवश्यकता है और ये बात उन्होंने निरुपा राय को बताई और उन्होंने ऑडिशन दिया और इस नाटक के लिए इनका सिलेक्शन भी हो गया, जिसके बाद इन्हें एक गुजराती फिल्म भी मिली। और इसी साल निरुपा राय को हिंदी फिल्म भी मिली जिसका नाम था अमर राज, जिसके बाद इन्होंने उधार और रामचंद्र जैसी फिल्मों में काम किया, जहां इनको फिल्मों में काम करते 5 से 6 साल बीत चुके थे लेकिन इन्हें कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसी बीच इनको विमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन में काम करने का मौका मिला, जो साल 1953 में रिलीज हुई और इस फिल्म से ही इन्होंने सबका दिल जीता और इन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अपनी अलग पहचान बनाई। निरुपा राय के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी कही जाती है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजी किरदार निभाए थे। उन फिल्मों में वो अक्सर देवी के किरदार में नजर आती थी और इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा बेहतरीन हुआ करती थी कि उस जमाने में उन्हें लोग सचमुच की देवी मानते थे। यहाँ तक कि इनके घर के बाहर लोग सुबह से शाम तक खड़े रहते थे इनका आशीर्वाद लेने के लिए। इन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 15 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। इन्होंने अपने शुरुआती करियर में ही कई सारे सुपरस्टारों के साथ काम कर लिया था, फिर चाहे वो भारत भूषण रहे हों या अशोक कुमार रहे हों। लेकिन 70 का दशक आते आते हिंदी सिनेमा काफी बदल चुका था। बॉलीवुड में रोमांस और भक्ति फिल्मों से हटकर एक्शन फिल्मों की तरफ बढ़ चुका था और अब अमिताभ बच्चन जैसे यंगरी यंग मैन के रूप में बॉलीवुड में एक नया सुपरस्टार आ चुका था। और इस सुपरस्टार की फिल्म दीवार में निरुपा राय ने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की मां का रोल निभाया और इस फिल्म में निरुपा राय ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी कि इसके बाद तमाम फिल्मों में माँ के किरदार के लिए निरुपा राय को ही चुना जाने लगा। अमिताभ और निरुपा राय की ये माँ बेटे की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आने लगी, बल्कि अमिताभ बच्चन ही नहीं धर्मेंद्र और देवानंद जैसे कई कलाकारों की माँ बन चुकी निरुपा राय ने ऐसी चमक बिखेरी कि वो पूरे बॉलीवुड की माँ बन गई। लेकिन असल जिंदगी में ये अपने बच्चों से जितना ज्यादा प्यार करती थी, इनके बच्चे इनसे उतनी ही ज्यादा नफरत करते थे। निरुपा राय के 2 बच्चे थे, योगेश राय, किरण राय। हम आपको बता दें कि निरुपा राय की बहू ने ही उनके ऊपर दहेज लेने के आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि इनके ऊपर FIR दर्ज भी करवा दी, जिसके चलते इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। और इस बात की चर्चा उस समय बॉलीवुड में काफी तेजी से होने लगी थी, यहाँ तक कि इनके दोनों बच्चे जायदाद के चक्कर में लड़ा भी करते थे और दोनों बच्चों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी ही माँ निरुपा राय को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हो गई और 73 वर्ष की उम्र में ही निरुपा राय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वैसे दोस्तों, निरुपा राय आपके हिसाब से कैसी कलाकार थी
और उनकी सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किस फिल्म में लगी कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।